और अब बात रायपुर की। छत्तीसगढ़ में सड़कों को लेकर खूब राजनीति होती रही है। पिछले साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद खराब सड़कें सुधरी तो हैं, लेकिन अब भी कुछ इलाकों में, खासकर शहरों में, सड़क पर चलने वालों को राहत नहीं है। राजधानी रायपुर की ही बात करें तो यहाँ जितने गड्ढों से परेशानी नहीं है, उससे ज्यादा गड्ढों को नहीं पाटने या फिर ढंग से समतल नहीं करने से है। वैसे सरकार का कहना है कि सड़कों पर खूब काम हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले साल सड़कों को लेकर राजनीति तब गरमाई थी जब सांसद सरोज पांडे ने रायगढ़ में गड्ढों को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया। इसके बाद विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। यह आग और भड़क गई जब धीरे धीरे प्रदेश के सभी शहरों में सड़कों की स्थिति ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की पोल खोल दी। इसके बाद खासकर रायगढ़, जशपुर, कांकेर, सुकमा में सड़कों की दुर्दशा ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अब पीडब्ल्यूडी विभाग के संसदीय सचिव कह रहे हैं कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी सुधर चुकी है। यही बात विभाग के मंत्री भी कहते हैं। रोड के नवीनीकरण का काम पूरे प्रदेश में 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड के नवीनीकरण के काम अभी तक के पिछले 5 महीने में हो चुके हैं, और नई रोड की अगर आप बात करेंगे तो 2100 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से 2100 किलोमीटर से भी ज्यादा की नई रोडें अभी तक बन चुकी हैं। अभी जो हाल फिलहाल में लगातार बन रही है, मैं समझता हूँ एक अच्छा फिगर है शहर प्रदेश के लिए। मैं समझता हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम कर रहा है। दूसरी ओर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू भी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। ताम्रध्वज साहू का कहना है कि प्रदेश में नई सड़कों के बनने से लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं, पुराने और जर्जर सड़कों को सुधार दिया गया है, अब सड़कों की स्थिति काफी बेहतर है। आज की तारीख पे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यहाँ सड़क खराब है। निर्माण करते समय उखाड़ते हैं, बनाने के लिए वो जरूर खराबी रहता है कुछ समय के लिए, लेकिन अब हम लोग पूरी तौर पर, चाहे ब्रिज की बात हो, सड़कों की बात हो, पूरे छत्तीसगढ़ में जाल बिछा चुके हैं। अधिकतर हम लोगों ने सिंगल लेन को टू लेन सड़कों में परिवर्तित भी कर दिया है, इसलिए मैं समझता हूँ ये हमारे सड़कों के मामले में और छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए स्वर्णिम अवसर है। सरकार चाहे जो दावा करे, खराब सड़कों की मार शहर के लोग भी झेल रहे हैं। कभी अमृत मिशन तो कभी केवल डालने के लिए खोदे जा रहे गड्ढों से सड़कों और गलियों का बुरा हाल है। हालांकि कई जगह सड़कें बनी हैं और बन भी रही हैं, लेकिन खराब सड़कों को देखकर नहीं लगता कि ये सड़कें बरसात से पहले बनेंगी, और बरसात में बनती हैं तो ठीक तरह से नहीं बन पाएंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट।